أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين। रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद जब चाँद नज़र आ जाए और शव्वाल की पहली तारीख हो तो उसमें नमाज ईदुल्फ़ितर अदा की जाती है। शब ईदुल्फ़ितर में अगरचे बहुत से आमाल हैं लेकिन उनमें ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब रखता है। और दो रकत नमाज है कि जिसमें सूरह अलहम्द के बाद 100 मरतबा सूरह तौहीद पहली रकत में और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 1 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर नमाज को अदा करें। इस नमाज के बाद रिवायत में आया है कि अगर कोई शख्स कोई दुआ मांगता है तो उसकी दुआ मुस्तजाब होती है। नमाज ईदुल फितर 2 रकत है जो जमाने गैबत में मुस्तहब है और हुजूर इमाम में वाजिब है। इसमें 2 खुतबे होते हैं जिस तरीके से नमाज जुमा में 2 खुतबे होते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि नमाज जुमा में खुतबे पहले होते हैं, नमाज जुमा बाद में होती है। और नमाज ईदुल फितर में नमाज पहले होती है और खुतबे बाद में होते हैं, लेकिन नमाज ईद में ईद फितर में खुतबे उस वक्त होते हैं जब वो नमाज जमात से अदा की जा रही हो। अगर नमाज फुरादा अदा की जा रही है तो उस वक्त खुतबे ज़रूरी नहीं है। नमाज ईदुल फितर के अदा करने का तरीक़ा ये है कि नियत पहले नियत की जाए कि नमाज ईदुल फितर पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह, उसके बाद सूरह अलहम्द और सूरह आला सब्बे इस्मा पढ़े और पहली रकत में 5 कुनूत हैं कि जिनसे पहले तकबीर है और उनके बाद भी तकबीर कही जाती है, यानी सूरे को पढ़ने के बाद तकबीर कहे अल्लाहु अकबर और उसके बाद दुआए कुनूत पढ़े। जो दुआ नमाज ईदुल फितर से मखसूस है अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया उसको पढ़ा जाए। इसी तरीके से दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह वशम्स है कि जिसको पढ़ा जाता है और उसके बाद 4 कुनूत है अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया 4 मरतबा पढ़ा जाए। और तकबीर कहने के बाद रुकू और सजदा और बाकी आमाल अंजाम देने के बाद नमाज को तमाम किया जाए। अब मसला यह है कि अगर किसी शख्स को सूरह आला या सूरह वशम्स याद नहीं है तो उस सूरत में वो शख्स जो सूरह भी चाहे पढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर जो मखसूस कुनूत है अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया अगर किसी शख्स को याद नहीं है तो वो वही दुआ पढ़ सकता है कि जो नमाज योमिया में पढ़ता है, उसकी नमाज सही है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले।